अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। सो ये है 100 लोगों का यखनी पुलाव जो बनता है मेहंदी या हल्दी में। तो रिसेंटली आप सभी को पता है मेरे घर शादी थी और मेरा कोई इरादा नहीं था इसे शूट करने का, बट सिर्फ आपके लिए मैंने ये शूट किया है ताकि आप भी फ्यूचर में इसे घर ही पर बना सकें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव है, इसे बासमती राइस में बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इंग्रेडिएंट लिस्ट से। तो यहाँ पे है कुछ चीज़ें जैसे कि चिकन, पोटैटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली, गरम मसाला, ऑयल, सौंफ, धनिया, कांदा, प्याज, ग्रीन सॉस, सॉल्ट, कसूरी मेथी, ये सब। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से हमने बनवाया था। ये हमने घर ही पे बनवाया था किसी को बुला के, और उन्होंने भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया था। 100 लोगों का एस्टिमेटेड था, बट ये आराम से 120-130 लोग खा सकते हैं। तो चिकन जो है इसमें लगेगा अराउंड 14 kg और राइस लगेगा इसके अंदर 12 kg। चिकन हमेशा राइस से थोड़ा ज़्यादा होता है। पटैटो इसमें लिया है 3 kg, जो इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। आपको पटैटोस डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे पटैटोस लवर जो है वो यखनी में बहुत ज़्यादा पटैटो पसंद करते हैं, बहुत लोगों को पसंद आता है। ऑयल जो है इसमें 3 लीटर जाएगा, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं या फिर आप 60-40 का रेशियो कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। प्याज इसमें गया है अराउंड 3 किलो प्याज, जिसे स्लाइस कर लिया है ताकि इसका ब्रिस्ता जल्दी से बने। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि प्याज इस तरीके से कट करेंगे तो प्याज जल्दी से ब्रिस्ता बन जाता है, उसे टाइम नहीं लगता है। पटैटोस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 kg से 3.5 किलो कर सकते हैं या फिर 2.5 किलो भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ यू नीड टू फ्राई इट। अभी इसमें इतना ऑयल है कि पटैटोस पे अच्छे से क्रस्ट एक आ जाएगा, तो आप अभी से फ्राई कर लीजिए। बहुत इजी पुलाव है और बहुत ही टेस्टी। इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट टोटल मिला के था 1 किलो, ठीक है, और ग्रीन चिलीज भी थी 1 किलो। इसके अंदर कोई भी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर या फिर ये सब नहीं पड़ता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट जाते हैं। बट आपको इसका क्वांटिटी जो है वो आपको देख लेना है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करोगे तो इस पुलाव का जायका ज़ीरो हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तेल जब आप डालोगे तो ये ही रेशियो से तेल डालें, वरना आपका जो पुलाव है वो मॉइस्ट नहीं बनेगा। चिकन जो है वो मीडियम करी कट है, और अगर आपको बिरयानी कट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है करी कट ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर। आप इसे विनेगर से वॉश कर लीजिए 2-3 बार, ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह है वो निकल जाए। विनेगर इट हेल्प्स टू क्लीन द चिकन फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह रहता है वो निकल जाता है। अब आपको चिकन डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन को 20-30% ही पकाना है फ्राई करते वक्त, ज़्यादा उसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना जब आप दम दोगे तो इसमें कोई भी चिकन नहीं दिखेगा। अब इसे अच्छे से भून लीजिए। अब क्वांटिटी ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके अंदर मिक्स गरम मसाला है, तो मिक्स गरम मसाला आप करीब 100 ग्राम डाल दीजिए, कोई भी मिक्स। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जायफल और जावित्री आपको नहीं डालना है, वरना बाकी सब कोई भी ग्रॉसरी शॉप में जाके मिक्स गरम मसाला बोलोगे तो आपको दे देगा, तो अराउंड वो डाल दीजिए और इसे अगेन अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आपको डाल देना है ग्रीन चिली का पेस्ट। तो ग्रीन चिली, फाइन ग्रीन चिली पेस्ट बनाइए, उसमें दरदरा मत रखिए, वरना उसका जायका भी बहुत अलग हो जाता है। ये हमें केटरिंग वाले ने बताया था जब हम बना रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने बताई, एंड आई वॉज़ रियली शॉक्ड। और अभी आपको इसमें
खड़ी ग्रीन चिलीज डाल देना है। अगर आपके पास नहीं है खड़ी ग्रीन चिली तो आप रेड चिलीज का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन उसका पुलाव का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसमें डाल देना है सॉल्ट। तो सॉल्ट जब आप यखनी बनाते हैं तभी आप चेक कर लीजिए कि पानी में सॉल्ट है कि नहीं, वरना आप राइस डालने के बाद सॉल्ट चेक नहीं कर सकते हैं और उसमें एडजस्ट भी नहीं कर सकते। अब गया इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर वो डिपेंड कि आपका गरम मसाला कैसा है, मतलब कौन सा मसाला आप उसमें डाला हुआ है। अब ये गया धनिया और सौंफ का पाउडर। तो धनिया का पाउडर है 100 ग्राम और सौंफ का पाउडर है 100 ग्राम। दोनों को मिक्स करके आप पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। ये गई कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए, एक 25 या 30 रुपीज़ का एक बॉक्स आता है कसूरी मेथी का, क्योंकि मैंने खुद ने ख़रीदा था तो मुझे याद है। तो वो आप वो हाफ़ पैकेट डालना है आपको, फुल नहीं। फुल डालोगे तो आपका यखनी जो है वो कड़वा बनेगा, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। अब पानी आप चावल के हिसाब से डाल दीजिए और इसे अच्छे से भून लीजिए। गरम मसाला का मैं आपको बता रही थी कि या तो अगर आप मिक्स लेना चाहते हैं तो मिक्स ले लीजिए, या फिर सिर्फ ज़ीरा, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और तेज़पत्ता, ये सब मिला के आप इसे अच्छे से एक पाउडर बना लीजिए। तो वो अराउंड टोटल जो था वो था 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम गरम मसाला। अब यहाँ पे है टमाटोज़। तो टमाटोज़ अराउंड थे 1 kg, हाँ 1 kg टमाटोज़ था। तो सब नहीं डालना था, इसको गार्निश के पर्पज़ के लिए लिया था, जो ऊपर से टमाटो स्प्रे करके लाइक रख के उस पर ऑयल का तड़का दें, ठीक है। और कर्ड जो था वो है 1 kg। तो कोई भी फ्रेश कर्ड ले लीजिए, मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे मस्ती दही के, तो वो यूज़ हो गए इसके अंदर। अगर आपके पास होममेड है तो आप होममेड यूज़ कर लीजिए, बट 1 kg। दही कब डालना है आपने देखा, जब पानी डाल दिया है उसमें आपको डाइल्यूट करके डालना है। अब यहाँ पे गया धनिया और पुदीना। तो इसका कोई हिसाब नहीं है, एक एक बंच आप ले लीजिए दोनों, हाफ पुदीना और एक बंच धनिया। राइस जो है वो है 12 kg, जो है कोलम राइस, फाइन क्वालिटी कोलम राइस आपको लेना है। बासमती प्रेफर कर सकते हैं, बट ये जो यखनी है वो कोलम में ही बनती है। जब आपका अच्छा सा यखनी बन जाए तो आपको इसे डाल के पका लेना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत सिंपल। यखनी पुलाव के बहुत सारे रेसिपीज़ जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी चेक करें। रिसेंटली हमने जमजम बिरयानी की वीडियो डाली हुई है और मलाई सीख बिरयानी की, जो शाही स्टाइल में बनाई है, 2 तरीके की मलाई सीख बिरयानी है, आप उसे भी चेक कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अब इस पे इन्होंने छिड़का है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो फ्रेश बनाया था ना वही है, और धनिया और सौंफ का थोड़ा सा पाउडर, ठीक है। अब आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये गई इसके अंदर कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी अराउंड आई गेस 3 टेबल स्पून होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम घर पे बना रहे हैं और अंदाज़ा नहीं है कसूरी मेथी का तो स्किप कर दीजिए, थोड़ा ही डालें, क्योंकि कसूरी मेथी का जिसे अंदाज़ा है वही बना सकता है, क्योंकि उसका फ्लेवर एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग होता है। ज़रा भी ऊपर नीचे हो गई तो पूरी आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। और उस पे गया था थोड़ा सॉल्ट, तो वो डाल के आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आपने देखा इन्होंने ग्रीन चिली का पेस्ट यूज़ किया है, सॉस पेस्ट नहीं, वो भी ये चिंग्स ब्रांड का है ग्रीन चिली सॉस, जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। इससे पुलाव का जायका बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये भी एक टिप्स था जो हमें देख के बहुत शौक लगा। मेरी सिस्टर ने बोला कि ये चाइनीज़ पुलाव तो नहीं है, तो मैंने कहा कि नहीं चाइनीज़ पुलाव नहीं है, बट इसमें ये डाला जाता है। इन्होंने टमाटो सॉस भी मंगाया था, बट हमें लगा कि शायद वो डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने वो नहीं डलवाया। बट उसमें 1 पैकेट ऑफ टमाटो सॉस भी जाता है। चिंग्स का ही आप ले लीजिए या फिर किसान का ले लीजिए, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बट मैं प्रिफ़र नहीं करती हूँ, मेरी सिस्टर भी प्रिफ़र नहीं करती है, तो हमने नहीं डलवाया।
अब ये पुलाव जो है वो रेडी है, बट इसे सिर्फ दम देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से आपको नमक टेस्ट करना है, तो नमक आप चख लीजिए। अब टमाटो को जो है ये ऐसे इन्होंने ऊपर से मिक्स कर दिया है, तो आप एक एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप देखें और फॉलो करें। मैं आपको अभी बता देती हूँ, राइस जो है वो 12 केजीज था, चिकन 14 केजी, पटैटो जो था वो है 3 केजी, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 केजी, गरम मसाला 250 ग्राम्स, कर्ड 1 केजी, ऑयल 3 लीटर, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम धनिया, ओनियन 3 केजी, टमाटो 1 किलो और ग्रीन सॉस का एक पैकेट, कसूरी मेथी का 1 बॉक्स, सॉल्ट और था इसके अंदर ग्रीन चिली का सॉस, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इसका रेशियो था जो बनता है 100 लोगों के लिए, एस्टिमेटेड 100 लोग है, बट इससे 120 लोग आराम से खा सकते हैं, इनफैक्ट वो खा के भी बच जाता है वो। ठीक है, तो ये वाला था इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसके बाद आप इसे फाइनली अच्छे से चॉप करके कोरिएंडर को तड़का दे दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव था, ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि हम इतने बिजी थे, शादी का घर है तो बैक टू बैक काम थे, ये वो ये वो, बट आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हल्दी मेहंदी वाला यखनी पुलाव जो है 100 लोगों के लिए कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।